इसकी कुछ और जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनके बारे में जिक्र करेंगे। दो थ्योरम है लेकिन प्रूफ नहीं करनी है आपको, केवल और केवल नोट पॉइंट डाल करके याद रखनी है। ओके, क्या करना है आपको? नोट पॉइंट डाल करके याद रखनी है बस। नंबर एक, यदि रैखिक प्रोग्रामन समस्या के किसी आधारित सुसंगत हल एक्स वी, यदि एलपीपी के किसी एलपीपी यानी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, यानी आप ये कह सकते हैं रैखिक प्रोग्रामन समस्या के किसी आधारी सुसंगत हल एक्स भी आधारी सुसंगत हल एक्स भी पर मैट्रिक्स ए के पर मैट्रिक्स ए के प्रत्येक आधारोत्तर सदिशों के लिए जेड जे माइनस सी जे ग्रेटर देन 0 हो तो एक्स भी एक इस्तेमाल होता है, हो तो एक्स भी इष्टतम हल होता है। एक तो ये है, एक और है इसमें अपरिबद्ध हल। ये तो हो गई इष्टतम हल की कंडीशन, या इसको आप इष्टतम की कसौटी के नाम से याद रख सकते हैं। लेकिन इष्टतम की कसौटी तो ये हो जाती है। अब हम अपरिबद्ध हल की चर्चा करें। अपरिबद्ध हल, दूसरा पॉइंट, अपरिबद्ध हल तो ये है सिंप्लेक्स कलन में किसी पुनरावृत्ति पर कम से कम एक जे के मान के लिए। हम इसको इस तरह से लिखें, यदि कम से कम किसी एक जे के मान के लिए, ये जो जेड जे माइनस सी जे की जो बात की ना ऊपर, अगर ये 0 से कैसा हो जाए, छोटा हो, जेड जे माइनस सी जे लेस देन 0 है तथा तथा जे के मान के लिए, जे के मान के लिए बाई आई जे लेस देन इक्वल 0 फोर ऑल आई इक्वल टू 1 to n फोर ऑल आई इज इक्वल टू 1 to m, तब उद्देश्य फलन को अधिकतम करना हो तथा उद्देश्य फलन को अधिकतम करना हो तो समस्या का हल अपरिबद्ध होता है। देखो ये दोनों ही जो पॉइंट हैं वह है आपके लिए, जब सिंप्लेक्स से आपको सवाल कराए जाएंगे ना फोर्थ चैप्टर में से, तो समझ में आएंगे। फिलहाल तो आपको यहाँ इष्टतम की कसौटी और अपरिबद्ध हल के लिए कंडीशन याद रखनी है, क्योंकि ये एक एक नंबर में आपसे पूछी जा सकती हैं और पहले भी पूछी जा चुकी हैं, इसलिए आप इनको याद रखोगे। एक तो इष्टतम की कसौटी और दूसरा है ये अपरिबद्ध हल की कंडीशन, केवल इतना सा याद रखना है आपको।
अब यहाँ एक रैखिक रूपांतरण है, चैप्टर नंबर 4 की चर्चा करेंगे। चैप्टर 3 में केवल और केवल इतना ही था और कुछ नहीं है। सिलेबस में 30% लेस कर दिया गया है ना, जैसा कि आपको पहले हम बता चुके हैं कि अब कोई भी स्टूडेंट पहले जो सिलेबस था उसको, और अब जो डिलीट करने के बाद 30% जो डिलीट कर दिया इसके बाद में जो सिलेबस है, इन दोनों का कंपेरिजन ना करें। तो जितना आपको बताया जा रहा है उसको केवल और केवल ध्यान में रखें। बस केवल इसमें से स्तंभ की कसौटी है, ये टॉपिक रहता है यहाँ। अब देखिए हम स्तंभ की कसौटी वाला जो टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 4 है उसमें कराएंगे, तो वहाँ हो जाएगा वो अच्छे से। सिंप्लेक्स कलन विधि चैप्टर नंबर 4 रहेगा ये, सिंप्लेक्स कलन विधि। तो सिंप्लेक्स कलन विधि की अगर हम बात करें तो इसमें एक रूपांतरण सूत्र है, उसको आपको याद रखना है, रूपांतरण सूत्र। इसका ये जो रूपांतरण सूत्र है ना, अगर हम कोई एलपीपी लेकर के चलें, माना एलपीपी मैक्सिमम जेड इज इक्वल टू सी एक्स, प्रतिबंध होते हैं ए एक्स इक्वल टू बी तथा एक्स ग्रेटर देन इक्वल जीरो के किसी आधारित सुसंगत हल की संगत के किसी आधारित सुसंगत हल की संगत कैपिटल बी आधारी मैट्रिक्स, कैपिटल बी आधारी मैट्रिक्स तथा एक्स भी आधारी हल हो तो, एक्स भी आधारी हल हो तो एक्स बी इज इक्वल टू बी इनवर्स बी होगा। देखो ये आपको आधारी हल जब कराए थे तो वहां भी लिखाया था फॉर्मूले के तौर पे, एवं एक्स भी जो आधारी हल है वह स्तंभ होगा तथा यह आधारी हल एक्स भी स्तंभ हल होगा यदि जेड जे माइनस सी जे ग्रेटर देन जीरो इक्वल भी होता है। यहाँ जेड जे की जो वैल्यू होती है ना वो है सी बी बाई जे, जेड जे की जो वैल्यू है उसको लिख सकते हैं सी बी बाई जे माइनस सी जे ग्रेटर देन इक्वल जीरो। यहाँ आप सी बी बाई जे है ना, तो ये जो बाई जे की वैल्यू होती है ना तथा ये जो बाई जे की वैल्यू है वो है बी इनवर्स एल्फा जे। क्वेश्चन कराएंगे और क्लियर हो जाएगा। फिलहाल इसको आप अपने माइंड में रखोगे, इसका स्क्रीनशॉट लें आप सभी एक बार। अब इसके कुछ क्वेश्चन चलेंगे, आप सभी स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट लें। अब यहां से आगे क्या आपको इसके कुछ क्वेश्चंस बताए जाएंगे। एक और होता है सिंप्लेक्स सारणी को कैसे तैयार करते हैं। सिंप्लेक्स सारणी को तैयार करने के लिए एक फॉर्मेट तैयार करके बता रहे हैं हम आपको, जो कि हमेशा के लिए आपको अपने माइंड में सेट रखना है। आपको क्या करना है उसे हमेशा के लिए अपने माइंड में सेट रखना है, भूलना नहीं है उसे। तो देखेंगे इसमें सिंप्लेक्स सारणी जो बनाई जाती है ना, उसको एक बार प्रैक्टिस करोगे आप तो नहीं करने। आप देखेंगे इसमें तीसरे चैप्टर के क्वेश्चन नहीं करने, केवल स्तंभ की कसौटी में 2-3 एग्जांपल हैं उनको करना है, लेकिन उनको हम बता देंगे आप लोगों को, इसीलिए घबराने की जरूरत नहीं है। अब देखो सिंप्लेक्स सारणी कैसे बनाई जाती है। सिंप्लेक्स सारणी
जो बनती है ना वह उसका एक फॉर्मेट होता है, यहाँ होता है सी बी बी सी बी बी एक्स बी बी सी जे, यहाँ होते हैं सी वन सी टू सी थ्री और यहाँ होते हैं बाई वन बाई टू बाई थ्री और यहाँ बनता है जेड जे माइनस सी जे और यहाँ आता है थीटा की वैल्यू। थीटा इज इक्वल टू होता है मिनिमम ऑफ एक्स बी आई अपॉन बाई आई के कॉमा बाई आई के ग्रेटर देन इक्वल जीरो, बस ये बनता है थीटा की वैल्यू ये है। तो किसी भी सिंप्लेक्स सारणी का जो मानक रूप होता है या टेबल का जो रूप होता है, मानक रूप टेबल का फॉर्म जो बनता है वह इस तरह से रहेगा। आप इस टेबल को एक बार स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद आपको कुछ इस की प्रॉब्लम बताई जाएंगी। सभी स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट लें। अब देखो इसके कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे हम। कोई भी क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहे हैं हम इसका। और आप सभी उसे बहुत अच्छे से समझोगे। टाइम के अकॉर्डिंग एक छोटा सा ही क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे। ओके हम कराना चाह रहे हैं कोई भी ऐसा ज्यादा कम दो टेबल तो समय बनेंगी। तो हम क्या है आपको जो क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहे हैं, हम आपको इस मीटिंग में जो क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहे हैं वह है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही है, बस इसी को सेलेक्ट कर रहे हैं फिलहाल। अधूरा रहेगा कोई दिक्कत नहीं है, अगली मीटिंग में हो जाएगा। तो ये दे रखा है मैक्सिमम मैक्सिमम जेड इज इक्वल टू थ्री एक्स वन प्लस टू एक्स टू, प्रतिबंध दे रखा है x1 वन प्लस एक्स टू लेस देन इक्वल फोर, एक्स वन माइनस एक्स टू लेस देन इक्वल टू, तथा इसमें जो x1 x2 है वो है ग्रेटर देन इक्वल जीरो। क्वेश्चन में कहा है सिंप्लेक्स विधि से हल करो। अब आप देखेंगे कि सिंप्लेक्स विधि से हल करने के लिए आपको मानक रूप बताया गया था, थोड़ा सा हम स्पीड बढ़ा के चलेंगे, ठीक है ना। आज अच्छी बात है अभी हो जाए तो, नहीं तो फिर पेंडिंग में पड़ा रह जाता है। तो दी गई समस्या का मानक रूप तो मानक रूप में बताया था ये जो जेड है वो अधिकतम में होना चाहिए, तो ये अधिकतम में ऑलरेडी दे रखा है, मैक्सिमम में ऑलरेडी दे रखा है। तो इसको यूं ही लिखेंगे 3x1 plus 2x2, लेकिन ये जो प्रतिबंध होते हैं ना, ये प्रतिबंध यहाँ समीकरण में बदलते हैं। तो समीकरण में बदलने के लिए आपको हमने न्यूनतम पूरक और आधे के पूरक जो चर हैं उनके बारे में बात की। तो इसमें आप देखेंगे कि लय दैनिक को लेना, तो इसमें कुछ चर जुड़ेंगे ना कि घटेंगे,
तो देखो एक्स वन प्लस एक्स टू और ये समीकरण में बदल जाए यानी बराबर चार हो जाए इसकी जगह, तो इसमें क्या जोड़ दें, माना कि एक्स थ्री जोड़ने पे मतलब इधर कुछ जोड़ना पड़ेगा ना तभी तो चार के बराबर होगा, तो हमने क्या माना कि इधर एक्स थ्री जोड़ दिया और ये जो एक्स वन माइनस एक्स टू है ना ये भी दो के बराबर कब होगा, जब इसमें हम इधर कुछ एक्स फोर जोड़ दें। तो अब ये जो एक्स फोर जोड़ दिया इधर, एक्स फोर जोड़ने पर बराबर में बदल गया ये लाइट अनिक्वलता, तो आप इसको यहाँ ये ऐसे भी लिख सकते हैं जीरो एक्स थ्री, यहाँ आप जीरो एक्स फोर भी लिख सकते हैं। और देखिए इसमें जो एक्स वन एक्स टू थे ना, एक्स वन एक्स टू वो अब एक्स वन एक्स टू ना होकर के एक्स थ्री एक्स फोर और बढ़ गए हैं, एक्स थ्री एक्स फोर और बढ़ गए हैं, ये सब कैसे होने चाहिए जीरो से बड़े। लेकिन एक और बात, यहाँ जो एक्स थ्री एक्स फोर जुड़े हैं ना इनके लिए यहाँ हम जीरो एक्स थ्री प्लस जीरो एक्स फोर और लिख देते हैं, तो इनमें जो कॉस्ट है जीरो जीरो ये क्या है मूल्य सदिश जो दे रखा है थ्री टू जीरो जीरो, इनमें मूल्य जो है वो जीरो जीरो जोड़ के लिखते हैं। दोबारा सुने, जो न्यूनतम पूरक चर आपने जोड़े थे एक्स थ्री और एक्स फोर इनके लिए शून्य कॉस्ट देते हुए लिख दिया जाता है। तो अब इसमें हम सबसे पहले जो a बनता है ना a के बारे में जिक्र करेंगे, वन 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 माइनस वन वन जीरो जीरो वन के जो मैट्रिक्स बनी, वन 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 माइनस वन वन जीरो और यहाँ जीरो वन, और ये जो b है इस b के बारे में बात करें तो ये है फोर टू। अच्छा अब आप देखेंगे कि आपको हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, इसको अल्फा वन प्रथम स्तंभ सदिश, इसको अल्फा टू द्वितीय स्तंभ सदिश, इसको अल्फा थ्री और ये अल्फा फोर। आप इसमें कुछ स्पेशल देखोगे कि यहाँ आपको 1001 प्राप्त हो रहा है और इस 1001 में आप देखेंगे कि ये इकाई मैट्रिक्स बनाना, अरे वर्ग इकाई मैट्रिक्स बन गया ये 1001। तो आप क्या करेंगे कि सबसे पहले मेन तो उद्देश्य आपका यही होता है यहाँ पर एक इकाई मैट्रिक्स बनाना, अगर एक इकाई मैट्रिक्स बन जाती है तो ही आप क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज नहीं, क्योंकि आपने देखा यहाँ एक्स थ्री एक्स फोर जोड़े गए थे वो इसी उद्देश्य से जोड़े गए थे कि इकाई मैट्रिक्स बन जाए। अब देखिए इसमें, अब यहाँ पर हम जो 1001 बन रहे हैं जो कि अल्फा थ्री और अल्फा फोर से बने हुए हैं, इन अल्फा थ्री और अल्फा फोर की हेल्प से जो 1001 बने हैं, तो इन अल्फा थ्री और अल्फा फोर को हम प्रारंभिक आधार के नाम से जानते हैं, अतः प्रारंभिक आधार जो कि b बराबर है ये अल्फा थ्री और अल्फा फोर हैं, अल्फा थ्री और अल्फा फोर। अब हम क्या करते हैं इसकी प्रथम सिंप्लेक्स सारणी तैयार करते हैं, प्रथम सिंप्लेक्स सारणी जो कि थोड़ी देर पहले आपको बताई थी, फॉर्मेट सभी में ऐसा ही रहेगा। तो जो पहली सिंप्लेक्स सारणी बनेगी यहाँ सी बी बी एक्स बी बी सी जे y1, y2, y3, y4, थीटा, थीटा के बारे में डिटेल हमने आपको बता दिया था और यहाँ हम केवल और केवल थीटा लिख रहे हैं। अब देखोगे आप इसमें इस टेबल को कंप्लीट करना समझो बस, और यहाँ बताया था आपको जेड जे माइनस सी जे, अगर टेबल में इन मानों को रखना सीख गए तो मान लीजिए आधा काम कंप्लीट हो गया। आप देखेंगे इसमें कि प्रारंभिक जो आधार है बी, बी की वैल्यू है अल्फा थ्री अल्फा फोर, यानी कैपिटल जो बी है ना यहाँ इसकी वैल्यू है अल्फा थ्री और अल्फा फोर। अगर ये बी की वैल्यू अल्फा थ्री अल्फा फोर है तो फिर एक्स बी का मतलब है इस बी के करस्पॉन्डिंग वेरिएबल, तो यानी एक्स जो वैल्यू होंगी इस आधार के संगत जो चर x यानी चर,
चर क्या होंगे, तो अल्फा थ्री के संगत जो चर होगा ना वो बनेगा एक्स थ्री, अल्फा फोर के जो संगत चर होगा उसे लिखेंगे एक्स फोर। तो अल्फा थ्री, अल्फा फोर और एक्स थ्री एक्स फोर ये समझ में आ गए होंगे आप सभी के में। अब यहाँ सी बी में क्या करते हैं, सी बी में इस बी बी यानी बी के एलिमेंट जो अल्फा थ्री अल्फा फोर थे ना ये जो सदस्य हैं इनके संगत सी यानी कॉस्ट, कॉस्ट कितनी है जेड में देखेंगे, क्योंकि जेड को ही तो आप सी एक्स की फॉर्म में लिखते हो ना, तो यहाँ सी की वैल्यू कितनी है 3200, कितनी है ये 3200, तो 3200 जो है इसको आप सी जे में लिख सकते हो, यहाँ पहले 3200 और 0 सी जे में लिख दिया। अब एक और बात, यहाँ जो आपने इकाई मैट्रिक्स बना था अल्फा थ्री और अल्फा फोर से, तो थ्री वाले के लिए जेड में देखें थ्री वाले के लिए कॉस्ट कितनी है 0, फोर वाले के लिए भी कितनी है 0, पहली टेबल में सदैव ये 0-0 ही रहेंगे तो 0-0। अब आप सभी यह बताएंगे, यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई भी डाउट्स है क्या जल्दी से बताएं, यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट्स हो तो बताएं। सभी स्टूडेंट बताएं, यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी समस्या है क्या? ओके आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ क्या करते हैं, ये जो डब्बा खाली पड़ा है ना इसके अंदर ये जो मैट्रिक्स ए है इसको लिख देते हैं, इस मैट्रिक्स को लिख देते हैं 1 1 1 -1 और 1 0 0 1 यानी 1 0 0 1। दूसरी बात, इसमें स्मॉल जो बी है ना स्मॉल बी, इस स्मॉल बी की वैल्यू को रख देते हैं 4 2, यहाँ कितना लिख दिया जाएगा 4 2। किसी को अगर यहाँ तक कोई भी डाउट्स हो तो बताओ, अदरवाइज इसमें देखिए अब जो जेड जे माइनस सी जे की वैल्यू होती है ऐसे निकालेंगे, जेड जे माइनस सी जे की वैल्यू कैसे निकालते हैं इसको ढंग से समझ लेना बस, कि ये जो दोनों अवयव है ना देखो हमें यहाँ मान रखने हैं, इसके नीचे यहाँ 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 और यहाँ, इन चारों जगह मान निकालने हैं, तो करेंगे क्या, इन दोनों एलिमेंट्स का जो 1 1 है इन दोनों का गुणा करो यहाँ, तो आप देखेंगे एक का गुणा 0 से करेंगे 0 आया, और इस एक का गुणा 0 से करेंगे 0 आया, दोनों को जोड़ करके इन एक एक के ऊपर जो 3 है ना इस 3 को घटा देंगे तो ये -3 बनेगा, और इसे यहाँ लिख देंगे -3 को यहाँ लिख देंगे। ऐसे ही देखिए दोबारा, इस -1 का गुणा यहाँ 0 से करो तो 0 आया, इस एक का गुणा यहाँ 0 से करो तो 0 आया, दोनों को जोड़ा, जोड़ करके इनके ऊपर जो 2 है इस 2 को घटा देंगे, तो घटाओगे तो आप समझ गए होंगे इस 2 को घटाओगे तो -2 ही बचेगा, और इसी के साथ साथ 0 का गुणा यहाँ 0 से करेंगे तो 0 आएगा, 1 का गुणा 0 से करेंगे तो भी 0 आएगा, उस 0 में से ऊपर जो 0 है इसको घटाएंगे तो भी 0 आएगा। ऐसे ही यहाँ 1 का 0 से गुणा 0, 0 का 0 से 0, उन 0 को जोड़ के जो 0 आया उसमें से इस ऊपर वाली 0 को घटाओ तो भी ये 0 ही बना। अब आप सभी बताएं, यहाँ तक किसी को कोई डाउट्स हो तो जल्दी से बताओ, किसी को कोई समस्या हो तो। बताओ यहाँ तक किसी को कोई डाउट्स हो तो। ठीक है, तो फिर आज की इस मीटिंग में इतना ही रखेंगे, यहाँ से आगे कल की मीटिंग में चर्चा करेंगे। ओके।